दोस्तों नमस्कार, आपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कठिनाइयां तो आएंगी ही, मंजिल की है फितरत है। इससे लड़ेगा वही शख्स जिसके अंदर अपनी मंजिल को पाने का लगन होगा, जज्बा होगा, हिम्मत होगा। जीवन में सच्ची सफलता वह है जब हम अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कभी हार नहीं मानते और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बट दिक्कत क्या है कि अभी तक हम अपनी मार्केटिंग लाइफ में जो बिजनेस करते आए हैं उसमें और ऑन पैसिव के बिजनेस मॉडल में इसके मार्केटिंग प्लान में सीधे जमीन आसमान का अंतर है। बाकी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हम अपनी पूरी जी जान लगा देते थे, टीम क्रिएट करने के लिए एंड बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भले वहां नफा हुआ या हमारा नुकसान हुआ, हमने अपने सपनों को पाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा। सपने पूरे हुए या सपने टूटे ये अलग मैटर है, पर अंत अंत तक सफल होने का हमने कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। बट ऑन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां सारा कुछ ऑटोमेटिक होना है। आप यूजर्स बनाए नहीं बनाए, बिजनेस बिल्ड करें या नहीं करें, अगर आप फाउंडर पोजीशन ले लिए हैं एंड साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं तो फिर यहां आपका सक्सेसफुल होना निश्चित हो गया है। यहां हम अपने सपनों को पूरे करने के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के ऊपर। यहां हमारे वर्क पे निर्भर नहीं है हमारी सफलता, या मिस्टर एस के वर्क पे डिपेंड है हमारी सफलता। अगर वे अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो फिर हमारी भी सफलता 100% निश्चित है, और अगर किन्हीं भी वजहों से वे अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि फिर हमारे सक्सेस और अचीवमेंट का क्या होगा। बस इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स परेशान हैं कि 2020 से लेकर 2023 तक कुछ एक ही तरह के मिला जुलाकर अपडेट्स मिलते रहे हैं, अनाउंसमेंट होते रहे हैं। इन 3 वर्षों में ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा है जब उस महीने को ऐतिहासिक एंड चमत्कारिक होने के बारे में नहीं कहा गया हो, और हर महीने हर एक फाउंडिंग मेंबर्स पूरी शालीनता के साथ धैर्य रखते हुए बेसब्री से इंतजार किए हैं अपने सफलता के शुरू होने का। इन 3 सालों में ऐसा कोई महीना नहीं बचा है जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स के आस और उम्मीद को अपडेट के माध्यम से जगाया नहीं गया हो, बट उनके आस उम्मीद 3 साल बीत जाने के बावजूद भी पूरे नहीं हुए। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑन पैसे में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कि फाउंडिंग मेंबर्स के जिस सफलता को 2020 में ही शुरू होना था वह पूरे 3 साल बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो सका, जबकि ऐसा होने के 3 साल पहले ही अपडेट्स मिले थे, अनाउंसमेंट हुए थे, और बीच में तो इसके रिगार्डिंग 50 बार अपडेट्स मिले होंगे एंड अनाउंसमेंट भी हुए होंगे। इससे तो कहीं बेटर होता कि मिस्टर एस एक ही बार डायरेक्ट कह दिए होते कि आप लोग जिस चीज के शुरू होने का मिलने का इंतजार कर रहे हैं वो सारा कुछ 2024 या 2025 में शुरू होगा या मिलेगा। इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। हर हफ्ते हर महीने आस उम्मीद लगा के अगर होगा कुछ भी नहीं तो जब लोगों की उम्मीद टूटेंगे तो दर्द तो होगा ही, उन्हें तकलीफें तो होंगी, वे निराश भी होंगे, हताश भी होंगे और नाउम्मीद भी होंगे। पहले तो कुछ बाहरी लोग ही हंसी उड़ाते थे फाउंडिंग मेंबर्स का, अब तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के घर परिवार तक के लोग भी मजाक उड़ाने लगे हैं, कहते हैं ये आपका कैसा कंपनी है, एक तो 3-4 सालों से इनकम मिलने का इंतजार कर रहे थे और जब 3 महीने पहले कुछ कमीशन भी आपके वॉलेट में आया तो लगा कि अब शायद हमारे दिन, हमारा जिंदगी जरूर बदलेगा, अब हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। बट ये तो विड्रॉल लगाए 3 महीने से भी अधिक हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं मिल सका। जब लोगों के मेहनत का कमाई यह समय से नहीं दे पा रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि ऑटोमेशन के थ्रू लोगों को यूजर्स कमीशन देगा, उनके जिंदगी बदलेगा, उनके सपनों को पूरा करेगा, उन्हें फाइनेंशियली फ्री करेगा। यह हकीकत है कि अब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को उनके घर वाले ही सबसे अधिक ताने देने शुरू कर दिए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या जवाब दें, कहां जाएं, किससे पूछें, क्या करें। सितंबर में अधिकतर लीडर्स इस बात को प्रमोट करने में लगे थे कि जल्दी से जल्दी बिना देर किए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बस चंद दिनों में ही बहुत जल्दी AI ऑटोमेशन अपना काम करना शुरू कर देगा एंड जो लोग भी इस फर्स्ट साइकिल में सब्सक्रिप्शन ले लिए रहेंगे उन्हें ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। 4 महीने पूरे होने को हैं पैकेज परचेजिंग शुरू हुए, कहां किसी को ऑटोमेशन के थ्रू यूजर्स कमीशन मिले। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कहीं बेहतर होता है कुछ छोटे स्तर पर भी शुरुआत कर देना। परमाणु बम गिरेंगे, एस बम का घोषणा होगा, ये बम फटेंगे, वो बम फटेगा और गिरा अभी तक एक फुलझड़ी भी नहीं। अरे भाई, जब कोई बम गिरेगा तो उसके धमाके स्वतः ही सुनाई दे देगा दुनिया को। बार बार ऐसा कहने का सुनाने का क्या फायदा। एक कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं और जिन्हें वास्तव में बरसना होता है वे कभी गरजते नहीं। जब जो होना हो तभी उसके बारे में कहिए, जो अभी होना ही नहीं हो उसके बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर कहने का क्या फायदा।
यही तो और अधिक चिंता में डाल दिया है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को कि सालों से यहाँ होने को तो कई बार बहुत कुछ कहा गया बट वैसा अभी तक हुआ कुछ भी नहीं जिससे लोगों का भरोसा बढ़ सके। आज अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्त, यह हम भी मानते हैं कि पूर्व में लीडर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हुई हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब सब कुछ शुरू हो जाने के रिगार्डिंग हमें अपडेट्स मिले हैं या सब कुछ शुरू होने को लेकर अनाउंसमेंट हुए हैं, बट वजह चाहे जो भी हो तय समय सीमा पे वैसा कुछ भी नहीं हो सका है। बट इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि हमारा फाउंडर पोजिशन लेने का या ऑन पैसिव से जुड़ने का डिसीजन गलत है। मैं यहां आज भी कहता हूं कि हमारा परम सौभाग्य है, हम पे ऊपर वाले की असीम कृपा है जो हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑन पैसिव के। जहां बहुत बड़े लेवल पे कुछ काम हो रहा होता है वहां कुछ गलतियों का होना भी स्वाभाविक है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने ऑन पैसिव का फाउंडर पोजिशन ले लिया है, ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं, तो क्या बिना आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसे दिए दोबारा से कहा जाएगा अपनी जेब से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? और अगर ऐसा कहा भी जाए तो क्या दोबारा आप अपनी जेब से पैसे लगाकर ले लेंगे सब्सक्रिप्शन? कदापि नहीं लेंगे। तो जब दोबारा हमारे जेब का इस्तेमाल ही नहीं होना है तो हम परेशान ही क्यों हों? आखिर कब तक ऐसा चलते रहेगा? कभी तो वह शुभ घड़ी आएगा जब सब कुछ शुरू करना होगा, वरना ऐसे आखिर कब तक चलेगा? ठीक है, इस 360 में ट्रैफिक कमीशन या बोनस को लेकर कुछ खास अपडेट्स नहीं मिले हैं, बट इतना जरूर कहा गया है कि इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक में कुछ और वेबिनार हो सकते हैं। घबराने से कुछ नहीं होता दोस्त, सब्र करने से सब कुछ मिलता है जिंदगी में। हो सकता है अचानक से कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज हमें दे दे मिस्टर एस। और मैं अभी भी कहता हूं कि ना अभी दिसंबर बीता है और ना ही 2023, होने को अभी भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। और अगर ये सब 2023 में शुरू नहीं भी हो सका तब भी हमें नाउमीद होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी को आखिर कब तक आगे बढ़ाते रहेंगे सीईओ मिस्टर एस? हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक तक में ही वे सारे पेंडिंग विड्रॉल का पेमेंट क्लियर कर दें और फर्स्ट से सेकेंड वीक तक में ईआई ऑटोमेशन भी शुरू कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि किसी भी हाल में अब और अधिक देर करना चाहेंगे मिस्टर एस। कुछ लोग कह रहे हैं फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते करते 2024 भी निकल जाएगा, फिर 2025 का इंतजार करना होगा हमें। दोस्त, अब चाहे जो समझें आप, ये आपकी मर्जी है, आपकी सोच है, बट मेरे समझ से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसे बहुत लंबा आप चाह कर भी नहीं खींच सकते मिस्टर एस। जब तक ओ कनेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था या पैकेज परचेजिंग स्टार्ट नहीं हुए थे तब के बाद दूसरे थे, जगह बचता समय खींचने का, बट अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब्सक्रिप्शन बाय कर लेने के बाद आप सब कुछ शुरू करने में बहुत अधिक देर नहीं लगा सकते। आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर एस 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने कंटिन्यू वैलिडिटी बढ़ाते रहेंगे सब्सक्रिप्शन का? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जब ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है तो भला ईआई ऑटोमेशन के शुरू होने से रोक कौन सकता है? हमारी जिंदगी बदलने और हमारे सपने पूरे होने से कौन रोक सकता है? हमारे सक्सेस के शुरुआत होने से कौन रोक सकता है? वित्तीय सुनामी आने एंड बीएमडब्ल्यू के शोरूम खाली होने से कौन रोक सकता है? हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलने से भला कौन रोक सकता है? दोस्त, बिना किसी चीज को ठीक से जाने दूसरों की बातें सुनकर या अपने मन से कुछ भी अनुमान लगाकर धारणाएं बना लेना अपरिपक्वता की निशानी होती है। हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक हमारे सारे सपने हकीकत में ना बदल जाएं। अपनी आस को जिंदा रखिए, आशा वह अमृत है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता और निराशा वह विष है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देता। भरोसा रखिए, कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी हमें बहुत जल्द मिलेगी। अगर घर परिवार के लोग कुछ कह भी रहे हैं या ताने मार रहे हैं उन्हें सह लीजिए, उन्हें क्या पता कि यहां अपने साथ साथ अपने आने वाले कई पीढ़ियों तक के लिए भी व्यवस्था हो रहा है। दोस्त, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, हम अपनी सफलता के बेहद करीब आ गए हैं। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।